रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के बीच छोटी झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। वह अकेली ही अपना गुजारा करती थी। गांव में ही रहने वाला शामू 2-3 दिनों से अपने दुकान के लिए दादी से बेसन के लड्डू बनवा कर ले जाता था। दादी के हाथ के बने लड्डू बेहद स्वादिष्ट बनते थे। और इस काम से दादी को भी कुछ पैसे मिल जाते थे। और उसी गांव में 2 शरारती बच्चे रहा करते थे, नत्थू और उसका छोटा भाई चीनू। दोनों ही दिन भर शरारत और बदमाशी करते रहते थे। एक दिन नत्थू और चीनू छुट्टी के दिन गांव में घूमते हुए दादी की झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उन्हें ताजे लड्डू की सुगंध ने आकर्षित कर लिया और उन्होंने देखा कोई इस झोपड़ी से लड्डू ले जा रहा है। अरे ये तो बेचने के लिए बाजार ले जा रहा है, पर हमारे पास लड्डू खरीदने के पैसे नहीं है। चल चीनू झोपड़ी के पास। और दोनों खिड़की के पास आकर झांकने लगते हैं। मेरा तो बहुत मन कर रहा है लड्डू खाने का। हाँ भैया, मेरा भी तो मन कर रहा है लड्डू खाने का। क्यों ना हम दादी को बुद्धू बनाकर लड्डू चुरा लाए। मुझे भी लड्डू खाने हैं, पर दादी को बुद्धू कैसे बनाएंगे भैया? आइडिया सुन, मैं दादी के झोपड़ी के पास के गड्ढे में खुद ही गिर जाऊंगा और जोर जोर से मदद के लिए आवाज दूंगा। तुम दादी को मदद के लिए बुलाने जाना और कहना मुझसे भैया को नहीं निकले जा रहा है, मैं छोटा हूँ। और जब दादी मुझे निकालने आएगी तब तुम लड्डू चुरा कर इसी पेड़ के नीचे मिलना। वाह, ये आइडिया मस्त है। इधर पास ही पेड़ के पीछे बैठा दीपू ये सब सुन लेता है और अचानक से उनके सामने आते हुए बोल पड़ता है, क्यों बड़े भैया, अकेले अकेले लड्डू खाना अच्छा नहीं, मुझे भी शामिल कर लो तुम्हारी आइडिया में, फिर हम तीनों मिलकर लड्डू खाएंगे। अरे वाह, तुझे क्यों शामिल कर ले हम, लड्डू तीनों में बट गए तो हमारे हाथ में क्या बचेगा भला। देखो बड़े भैया, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें बता रहा था। भला वो कैसे? हाँ, जब तुम गड्ढे में रहोगे और चीनू दादी को बुलाने जाएगा तब तो उसे भी दादी के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो दादी को चीनू पर शक हो जाएगा और चीनू अपने छोटे हाथों से सिर्फ 2 ही लड्डू ला पाएगा। अगर तुमने मुझे भी शामिल कर लिया और चीनू की जगह मैं लड्डू लाने गया तो लड्डू भी ज्यादा ला पाऊंगा और दादी को तुम पर शक भी नहीं होगा। ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, हम ऐसा ही करेंगे, तुम भी हमारे साथ हो दोस्त, तो चलो चले। हाँ चलो चले। अरे अरे रुको, मैं अपने किताबें रख कर आता हूँ, बस यूँ गया और यूँ आया। हाँ हम यही रुकते हैं, जल्दी आना। मैं अभी आया। और इस तरह प्लान के मुताबिक ड्रामा शुरू होता है और चीनू दादी के पास दौड़ते हुए पहुंचता है। दादी दादी। अरे रे। दादी दादी, मेरे नट्टू भैया को बचाइए। क्या हुआ है? हम रास्ते में खेल रहे थे और भैया गड्ढे में गिर गए। मैं कितना छोटा हूँ, मुझसे निकाले भी नहीं जा रहे। रुको जरा, मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। और दादी जल्दी जल्दी में अपना घर खुला छोड़कर ही चीनू के साथ चली जाती है। इधर दादी बाहर जाते ही दीपू घर में घुस जाता है।
देखी है दादी, नट्टू भैया गड्ढे में। मस्ती खोर, ठीक से देखते भी नहीं और उछल कूद करते हैं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। ये भैया निकल गए। बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। थैंक यू, आपने मुझे बाहर निकाला। अब हम जाते हैं। अच्छा ठीक है, संभाल कर जाना। और दादी जाते ही तीनों उसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। लाओ लाओ दीपू, जल्दी दो मुझे, मुझसे अब इन लड्डू की खुशबू से रहा नहीं जा रहा। ये लो दोस्तों, उठाओ अपने लड्डू। दीपू ने दोनों को दो दो लड्डू दिए और जैसे ही नट्टू और चीनू ने लड्डू खाना शुरू किया वैसे ही दोनों थू थू, क्योंकि उन्हें लड्डू मिट्टी के लग रहे थे। और उन्होंने दीपू की तरफ देखा तो वह मजे से लड्डू खा रहा था। ये क्या है दीपू, ये लड्डू तो मिट्टी के हैं और तुम कैसे इसे स्वाद लेकर खा रहे हो? तुम्हारे लड्डू होंगे मिट्टी के, मेरे तो बेसन के हैं। वाह, क्या मस्त और स्वादिष्ट है। भला वो कैसे? क्योंकि तुम चोर हो, तुम दोनों चोरी करके लड्डू खाने का सोच रहे थे। और तुम भी तो हमारे साथ शामिल थे चोरी में। मैं और चोरी में शामिल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने किताब रखने के बहाने दादी को सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हारे साथ शामिल था ही नहीं, मैं दादी की मदद कर रहा था। दादी ने मेरे कहने पर चार मिट्टी के लड्डू बनवा कर रखे थे और वही लड्डू मैंने तुम्हें लाकर दिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, दादी इतनी बूढ़ी होकर भी मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरती है और तुम गांव में बदमाशी और शरारत करते फिरते हो, गरीब दादी के मेहनत का चुरा के खाना चाहते हो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा छोटा भाई भी बिगड़ रहा है। सॉरी दीपू, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हम दादी से माफी मांग लेंगे और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नटू और चीनू को अपने करतूत पर शर्म आने लगी और वे दोनों दीपू के साथ दादी से माफी मांगने गए और दादी ने उन्हें समझाकर दोनों को लड्डू भी खिलाए।